सत श्रीकाल प्यारे बच्चों, स्वागत है तुहाडा एक बार फिर। अच्छ आपां 10वीं दा गणित दा पेपर जिहड़ा तुहाडा अज होया सी उह हल करांगे। ते मैनूं उम्मीद आ जिहड़ा इह पेपर आ तुहाडा बहुत वधिया होया होएगा। ते इहदे सही आंसर आ जिहड़े की आउणे सीगे उह आपां अज इस वीडियो दे विच चर्चा करांगे। तो इहनां नूं तुसीं ध्यान नाल समझ लैणा ते अपने अंकां दा मिलान वी तुसीं इस वीडियो नूं देख के कर पाओगे। ठीक है बेटा, चलो आपां स्टार्ट करदे हां फस्ट क्वेश्चन तों। समीकरण पी एक्स की 2 + q x + r = 0 के मूल पता करो जिथे पी नॉट ईक्ल टू 0 है। पी है जिहड़ा वह 0 नहीं है, तो किस के बराबर हो गए इसके मूल भी। जिवें आप ए एक्स की 2 + bx + c = 0 लिए कढ़ते सी, उस तरह ही इसके मूल हो गए -q + -q² - 4pr / 2p। मतलब थर्ड ऑप्शन ये सही आ जूगी। नैक्सट प्रेखणा m + 3 a m + a m m - a m + 3 ए का मध्यमान, तो मध्यमान किवें कढ़ते होंगे अंकड़े का जोड़ कर देंगे पहला तो आप। ठीक है, तो अंकड़े की गिनती नाल इहनूं आपां की करना है भाग। ठीक है जी, अंकड़े की गिनती किन्नी अपने को 5, तो जेडे अलग अलग निशान वाले ने प्लस माइनस वाले वह कैंसल हो जाएंगे। +3a - 3a + a - a कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने को कितना बन जू 1 2 3 4 5a बन जूगा, 1m अपनी रह गई सी ना इतने आ। ठीक है, 5a 5m / 5, तो 5 ना मल्टीप्लाई कर देंगे कितना उत्तर आ जू अपना m। फर्स्ट ऑप्शन कि ना आजूगा भी m। नैक्सट पी क्यू एक मैदान में चित्र में दिखाए अनुसार 2 खंभे PQ = 15 मीटर RS = 23 मीटर सीधे खड़े हैं। जेकर QS 15 मीटर हो पी आर का मुल पता करो। ये अपने सैंपल पेपर के भी ये क्वेश्चन सीगा, देखो इतों आप लाइन खिंच देंगे आ कोण 90 डिग्री बन जूगा। जे आ 15 तो आ भी 15 हो जाएगा। हुण जे आह वाली लाइन PQ 15 है, तो जे आप इतने कोई भी बिंदु ला लीए ओ, तो ओ एस है जोड़ा ये 15 हो उपर ओ आर किन्ना रह जूगा 8, क्योंकि 15 तो 8 किन्ने हो जाएंगे 23। तो हुण ये समकोण त्रिभुज बन गई जिद पी आर है जोड़ा यदा कर्ण है, लंबे दे 8 दिता तो दार 15 दिता, तो पी आर की 2 कि बराबर हो जूगी बाकी दिया 2 भुजावां के वर्गों के जोड़ के बराबर। मतलब 8 की 2 ते 15 की 2, पी आर की 2 = 64, 8 × 64 = 1515 = 225। मतलब पी आर की 2 = 299, जो असी कह लिए पी आर बराबर 17 मीटर। 17 को 17 ना गुणा करेंगे 299 बन जूगा, तो पी आर है जी वो कितनी आ जूगी 17 मीटर। थर्ड ऑप्शन। नैक्सट जेकर a1 a2 a3 up to a26 एक अंकगणित लड़ी है जिसका साझा अंतर d है, तो a1 a4 a7 a10 की होएगी भी, यह भी अंकगणित लड़ी होगी पर ये साझा अंतर कितना होगा 3d होगा। हेठ लिखे विचों केड़ा कथन सही है, 2 अप्रमेय संख्यावां दा जोड़ हमेशा एक अप्रमेय हुंदी है, हमेशा एक प्रमेय हुंदी है। गलत है, 2 अप्रमेय संख्यावां दा गुणनफल हमेशा एक अप्रमेय हुंदी है, ये भी गलत है, हमेशा अप्रमेय नहीं होंगी। हरेक वास्तविक संख्या एक प्रमेय संख्या होंगी है, गलत है, हरेक वास्तविक संख्या या तो प्रमेय हो सकती है या अप्रमेय। तो लास्ट ऑप्शन साड़ी सही है, हरेक वास्तविक संख्या एक प्रमेय या अप्रमेय संख्या होंगी है। जेकर a = 2^4 × 3^3 × 5^2 हो, b = 2^2 × 3^4 × 5 हो, c = 2^3 × 3^n × 5 हो, m = 2^2 × 3^2 × 5 हो, तो n होगा। ममासा बावा दिता है, तो ममासा बावा जिहड़े असीं फैक्टर लैंदे आ गुणखंड लैंदे आ वो घट तो घट वाले लैंदे आ, सांझा गुणखंड कहने लई आपां लैंदे आ, तो घट तो घट देखांगे असीं। 3 वाले केस च देख लो, इत्थे 3^3 है, इत्थे 3^4 है, तो इत्थे सब तो घट आऊगा एन, तो सब तो घट इत्थे अपने कोल ममासा बावा च किन्ना दिता 2, तो 3^n है जिथे इत्थे, इत्थे की आऊगा मतलब 3^2 आऊगी, मतलब एन साडा किन्ना आजूगा 2 आजूगा। ठीक, सैकंड ऑप्शन है जी ये सही आजूगी। एक रेखी बहुपद की घात कितनी होती है बेटा, रेखी बहुपद की घात कितनी होती है 1। बहुपद 6x2 - 3 - 6x 0 का गुणनफल होएगा, पहले तो आप इनू सही करके लिख लें, 6x2 - 6x - 3 ये अपना बहुपद हो गया। 0 का गुणनफल कि बराबर होंगे c / a, मतलब -3/a साढ़े को 6,
अस्सी अपने को माइनस तीन तो तीन एकम तीन तीन दूनी छे सिफर का गुणनफल कितना होएगा माइनस एक बटा दो होएगा। ठीक है पहली ऑप्शन सही बन जूगी माइनस एक बटा दो। एक चाल वाली एक रेखी समीकरण के वध तो वध किन्ने हल हो सकते हैं एक चाल वाली एक रेखी समीकरण। ठीक है जिम्मे आप कोई भी रेखी समीकरण लै लीए एक चाल वाली मैं ये लै लीए तो एक चाल वाली जी रेखी समीकरण है वह किन्ने हल हो सकते हैं एक हल होगा। जे दो चलों वाली एक रेखी समीकरण होगी तो वह अनंत हल हो पर जे सू एक चाल वाली रेखी समीकरण कही है तो वह अनंत रूप के एक चाल वाली दे एक हल होगा पर जे अपन दो चलों वाली एक रेखी समीकरण कही है तो उसके किन्ने हल हो अनंत हो सकते हैं तो ये एक चाल वाली रेखी समीकरण है उसके किन्ने हल हो गए भी वो तो वह किन्ने हल हो सकते हैं एक हल। ठीक हेठ विचों के एक प्रमेय संख्या है हेठ लिखा विचों के एक प्रमेय संख्या है तो प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार है जोड़ा वो शांत या अशांत आवर्ती होंगे तो तीन पॉइंट एक चार है जी इन्हों प्रमेय संख्या है। हेठ लिखा विचों के व्यंजक एक बहुपद है जोड़ा भी पहली ऑप्शन मतलब व्यंजक जोड़ा बहुपद हों बहुपद जोड़ा अपने को चल हों घात है जी भिन्न नहीं हो सकती वर्गमूल के नहीं हो सकती ना ही नीचे हो सकती है माइनस के हो सकती है। ठीक है मतलब एक पूर्ण संख्या घात बहुपद की होंगी है पहली ऑप्शन सही बन जूगी। बिंदु माइनस पाँच माइनस तीन दो चलों वाली किनिया रेखी समीकरणों का हल हो सकता है अनंत। ठीक है तो बिंदु माइनस पाँच माइनस तीन दो चलों वाली अनंत रेखी समीकरणों का हल हो सकता है। नैक्सट त्रिभुज पी क्यू आर सर्वंग सम त्रिभुज एम एन पी हेठ लिखे विचों के कथन सही है जोड़ा सही है भी क्यू आर बराबर एन पी पिछले दो इधरों पिछले दो क्यू आर बराबर एन पी पी क्यू बराबर एम पी ये भी गलत है क्यू आर बराबर एम पी ये भी गलत है पी आर बराबर एम एन ये भी गलत है तो कि ऑप्शन लास्ट फोर्थ सही होगी। छे एक्स माइनस दो वाई प्लस नौ बराबर जीरो एक्स माइनस वाई प्लस बारह बराबर जीरो का ग्राफ दो रेखावां हैं जो पहली है छे एक्स माइनस दो वाई प्लस नौ बराबर जीरो। ठीक है एक्स माइनस वाई प्लस बारह बराबर जीरो आप रेशो देख लें ए वन वटा ए टू कढ़ लो कि बन गया भी छे वटा एक एक्स वाले जड़े लगे तो एवं बी वन वटा बी टू देख लें आप कि बन गया माइनस दो वटा माइनस एक तो यह दोनों है जोड़े बराबर नहीं है मतलब ए वन वटा ए टू बी वन वटा बी टू के बराबर नहीं है तो यह कि रेखावान ने काटनिया यह एक बिंदु पर कट दया रेखावान एक बिंदु पर कट दया। ठीक एक संभुजी त्रिकोण का खेत्रफल सानू दिता हुआ इसका परिमाप असी दसना असी यह भुजा कट लीए संभुजी त्रिभुज की जे असी भुजा वो ए लै लीए भुजा कट लीए तो असी परिमाप कट सकते हैं क्योंकि तिने भुजावां का जोड़ के होगा वह परिमाप होगा। हुण आपां नूं पता भी खेत्रफल कि बराबर हुंदा रूट तीन बटा चार ए स्केयर के बराबर हुंदा वो आपां नूं सोलह वर्गमूल तीन दिता हुआ हुण वर्गमूल तीन दोनों पासे है ना कैंसल ही हो जाना है तो जां इधर आके भाग च हो जाएगा वो तुसीं जिवें मर्जी समझ लो मतलब ए स्केयर बराबर सोलह गुणा चार क्योंकि आ चार इधर भाग च है ए का वर्ग बराबर चौंठ तो ए कि आजगा अठ। ठीक है ए कि आजू अठ सेंटीमीटर क्योंकि अठ अठ चौंठ होंगे तो वो पूजा आ गई अठ सेंटीमीटर परमाप कि आजगा भी तीन बारी ए जोड़ दी जोड़ देंगे मतलब ए प्लस ए जो आप कह लीए तीन नाल अठ गुणा कर देंगे ए अपने को अठ है तो परमाप है जोड़ा वो कि आजू साढ़े को चौबी आजू अठती है चौबी। ठीक परमाप कि आजगा चौबी सेंटीमीटर। नैक्सट बाई संख्यावान का मध्यमन छत्ती सी बाद पता लगाया गया कि एक संख्या अठासी चौताली के रूप में गलत पढ़िया गया सी दित्तियां गई संख्यावान का सही मध्यमन पता करो। ठीक है पहला एक संख्या सी भी जिन्हू गलत पढ़ लिया गया। ठीक है वो आप देखते हैं भी कि संख्या सी भी जिन्हू गलत पढ़ लिया गया। ठीक है पहला आप देखते हैं भी बाई संख्यावान का मध्यमन कितना है छत्ती तो इन्हों का जोड़ देख लेंगे पहला कितना बनता सी अंकड़ियां का छत्ती गुणा बाई कर लेंगे बई छिका एक सौ बत्ती तेरह हासिल बई ती है छाठ छाठ के तेरह जोड़ दो इन्ना बन जू सात सौ बानवे। ठीक है
ठीक है, तो यह अपने को जोड़ा जोड़ 792 आ। हुण सही जोड़ कि बनना चाहिए सी, मतलब 88 नूं की पढ़ लिया 44, ठीक है, मतलब पढ़ना तो 88 सी, लिखता उन्हें 44, तो 44 होर घट लिखते मतलब 44 असी विच जोड़ देंगे, क्योंकि लिखना 88 सी, लिखा गया 44, तो 44 जोड़ के किन्ना आजू साढ़े को 4 2 6 9 4 13 81 836 बन जूगा सही जोड़। ठीक है, तो 836 टोटल जोड़ 836 बन गया, संख्यावं कि 22, तो सही मध्यमान है जोड़ा कि आना सी, सही मध्यमान 836 वाई ना भाग करके आ जूगा, कर दो वाई ना भाग तो कि आज वाई 36 13 चो 6 निकल जाएंगे 7, तो इतने आ गया साढ़ा 6 176, तो 22 8 आ गई हो जूगा 176 भाग कर देंगे, तो इस केस के साढ़े को मध्यमान कि आ गया 38। अंकड़ों का जोड़ बट अंकड़ों की गिनती मध्यमान होंगे, अंकड़ों की गिनती 22 है, अंकड़ों का सही जोड़ा वो 836 बन गया सी, तो इस करके सही मध्यमान कि आजगा 38। अंग्रेजी वर्णमाला अचानक एक चुने जाने उसके व्यंजन होने की की संभावना है, उसके स्वर्ग ने होंगे बेटा अंग्रेजी वर्णमाला के 5, तो व्यंजन कि होंगे 21, तो संभावना की होजूगी 21/26, ठीक है, 21/26 संभावना होजू, क्योंकि टोटल आ जोड़े व अखर है वो किन्ने होंगे ने 26 होंगे ने, फोर्थ ऑप्शन सही आजू 21/26। दिते गए अंकड़ों जो असी अधिकतम तो न्यूनतम प्रेक्षण छड़ दईए, तो हेठ लिखा किसका मुल कदे नहीं बदलेगा, किसका मुल नहीं बदलेगा भी मदका, मदका का मुल है जोड़ा वो नहीं बदलेगा। जेकर समीकरण के एक्स की 2 + 6x + 3k = 0 के मूलों का जोड़फल इसके गुणफल का दुगुना है, तो के का मुल, हुण मूलों का जोड़फल हों भी -b/a, वो दुगुना होगा कि गुणफल का, तो मैं उही लाऊंगा माइनस का b/a मतलब -6/k = 2 गुणा कि गुणा दी भी सिफरां दी गुणा दे गुणा होंगी c/a, सी अपने को है भी 3 3k, ये अपने को है के ना के कैंसल हो जूगा, -6/k = 6 दे, ठीक है, तो उधर जाके गुणा चू -6/6k = -6/6 कट के कि आजू साढ़े को -1, के कि आजगा -1 आजगा सैकंड ऑप्शन। जेकर -2 y1 y2 13 एक अंक गणितक लड़ी है, तो y2 का मुल कि होजू, हूँ एक अंक गणितक लड़ी है, ठीक है, देखो बेटा ये a कि पहला पद -2 है, तो 13 किनवा पद है, वो चौथा पद है, मतलब a+3d है, a4 आहो जिहड़ा सानू 13 दे रखिया, ठीक है, वो a4 है चौथा पद है, तो ये असी -2 भर देंगे, -2 + 3d = 13 दे 3d = आ माइनस का इधरले पास उधर जाके प्लस का होजू, 13 ते 2 किन्ने हो जाएंगे साढ़े को 15, डी कि होजूगा भी 3 इधर गुणा चा परले पास भाग चूजू, 15 3 ना भाग कर देंगे, डी कि आजू साढ़े को 5, ठीक है, डी कि आजूगा 5, ए किन्ना -2, तो असं हूँ क्ढना की है y2 किनवा पता भी तीसरा, मतलब a3 असी क्ढना, वो की आजूगा a+2d, ए साडा कि -2, डी कि आ गया भी 5, तो भर देंगे -2 2 5 किन्ने हो जाएंगे 10 कर देंगे, इन हल कि आजगा अपने को उत्तर 8 आजगा, ठीक है, दूसरी ऑप्शन सही बन जूगा 8। नैक्सट त्रिपुज KEY समरूप त्रिपुज ART, तो इन्हों के खेत्रफल का अनुपात सानू दिता है KE 12 cm, तो AR पता करो, तो आप थ्योरम पढ़िए बेटा त्रिपुज के भी, जो दो समरूप त्रिपुजा के खेत्रफल का अनुपात उन्हां दीआं संगत भुजावां दे अनुपात दे वर्ग दे बराबर हुंदा, मतलब 16/25 आ जिहड़ा वो किहदे बराबर होगा 12 दा वर्ग, यानी कि 12 × 12 AR दा वर्ग, जिहड़ी लास्ट त्रिपुज नीचे ती आ ART उहदी इक भुजा दा वर्ग, तां क्रॉस गुणा कर देंगे इत्थे असीं, ठीक है, क्रॉस गुणा कर देंगे, देखो बेटा मतलब 16 × AR 2 = 12 × 12 × 25 आ 25 जरा उधर गुणा हो गया, 16 AR 2 गुणा हो गया AR 2 = 12 × 12 × 25
बटा 16 कट दिए, चौकी चौकी 16, चार तीए 12, ठीक है। तो फिर चार एकम चार, चार तीए 12, तो कितना बन गया भी, यह तीयो तीय 9, 25 9 225, ठीक है। कितना बन गया है, तीयो तीय 9 बन गया, 25 नू 9 नाल गुणा कर देंगे 225। ए आर दी 2 बराबर 225, मतलब ए आर बराबर 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 नू 15 नाल गुणा करके साडा कितना आ जूगा, 225 आ जूगा, ठीक है ना। तो इस केस दे विच साडे कोल ए आर है जिहड़ा, ओह कितना आ जू 15 सेंटीमीटर। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन दा मुल होवेगा, जिथे एन एक धनात्मक संपूर्ण संख्या है। पहलियां एन धनात्मक संपूर्ण संख्यावां दा जोड़फल कितना हुंदा, एन इन एन प्लस 1 बटा 2। केड़ी ऑप्शन सही है भी, सैकेंड। नैक्सट, दिते गए चित्र विच डी ई समांतर बी सी है, ए डी सानू 2 दिता है, ए बी पूरा 5 दिता है, डी ई सानू 3 दिता, बी सी दसनी है, ठीक है। तो ये समरूप ने, त्रिभुज ए डी ई ते त्रिभुज ए बी सी एक दूजे के समरूप ने, तो इन्हां दीआं भुजावां दा अनुपात होगा बराबर होगा ए डी बटा ए बी, कि बराबर होगा बेटा डी ई बटा बी सी दे। चलो इत्थे असीं भर देंगे, ए डी किन्ना 2, ए बी किन्ना 5, डी ई किन्ना 3, बी सी असी पता करना। तो फिर जिवें आपां पहलां कीता सी, की कर देंगे क्रॉस गुणा कर देंगे, ठीक है। मतलब 2 गुणा बी सी बराबर 5 गुणा 3, बी सी बराबर 5 3 15 हो गए, 15 नूं 2 नाल कर दो भाग, 15 दा अद्ध किन्ना आजूगा, 7.5 सेंटीमीटर आजूगी बी सी, ठीक है। 14 दा अद्ध 7 हुंदा, 15 दा अद्ध 7.5 हुंदा, 7.5 लास्ट ऑप्शन, 7.5। हेठ लिखियां विचों किहड़ी एक अप्रमेय संख्या है, देखो बेटा इहदे विच वी वर्गमूल 3 गुणा होया, ये अप्रमेय संख्या है। पहली ऑप्शन यदि अप्रमेय संख्या है, ये जो वर्गमूल 3 जुड़िया होया तो यह तो घट भी जाऊ, कैंसल होजू, वर्गमूल 16 खोलेंगे 4 होजू, इन भी खोलेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी ला के, ए भी अपने को एक प्रमेय संख्या बनूगी। मतलब केड़ी ऑप्शन सही आऊगी अपनी, पहली 2 वर्गमूल 3 एक अप्रमेय संख्या है। जेकर असी माध्यमां एक्स, मध्यका एम, बालक नू जेड नाल दर्शाईए, तो किहड़ा कथन सही है, किहड़ा सही है भी, आपां नूं पता भी की फार्मूला हुंदा, बौलक बराबर 3 मध्यका माइनस 2 मध्यमान, बौलक बराबर 3 मध्यका माइनस 2 मध्यमान, लास्ट ऑप्शन सही है। जे 2 घाती समीकरण के मूल 1 अते 3 हन, तो समीकरण है तो असीं मूलों का जोड़ कढ लांगे, पहला तो जोड़ के ना आजू सम, 1 अते 3 4, गुणा किन्नी आजू भी 3 आजू, तो बौलक किवें लिखा जाऊ, बहुपद एक्स की 2, इतने असी निशानी बदल के जोड़ लिख देने विचकार, एंड ते असी गुणा लिख देने, आ बन जूगा साडा बहुपद, ठीक है। एक्स की 2 माइनस का मतलब निशानी बदल के, जे इतने माइनस आ तुसीं प्लस कर देंगे, हुण इतने प्लस आ तो असी माइनस कर देंगे, माइनस का 4x प्लस 3 जिहड़ी आ भी समीकरण बनाउणी आ तो बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। सैकेंड ऑप्शन सही बन जूगी। 1 तो 50 तक संख्याओं विचों एक संख्या अचानक चुनी जाती है, इसकी की संभावना है कि चुनी गई संख्या 3 अते 4 की गुणज होएगी। जे 3 4 की गुणज होएगी, मतलब कि गुंज होएगी बेटा, 3 अते 4 दोवां की गुंज होगी, तो फिर कि गुंज होगी, 12 की। असीं 12 का पहाड़ा लिखते हैं, 50 तक 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 1 तो 50 तक ये संख्यावां आउणगियां 4। टोटल संख्यावां किन्नियां ने भी 50, तो संभावना साडी की होगी 4 बटा 50, 2 ते भाग कर देंगे, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, तो साडी संभावना की होजू बेटा 2 बटा 25, ठीक है। किन्ना उत्तर आजूगा, 2 बटा 25 आजूगा। एक थैले विच एक्स चिट्टियां, वाई लाल ते जैड नीलियां गेंदां हन, जेकर थैले विच बिना देखे एक गेंद बाहर कढ़ी जांदी है, उसकी नीली होण दी की संभावना है, किन्नियां नीलियां ने भी जैड, तो उपर तो असीं नीलियां गेंदां लिखांगे जैड, टोटल असीं नीचे लावांगे, तो की आऊगा जैड बटा एक्स प्लस वाई प्लस जैड। नैक्सट, के का मुल पता करो, जेकर 2x की 2 प्लस के एक्स प्लस 7 की एक सिफर 2 हो, जे सिफर 2 हो, मतलब एक्स में 2 भर दो, इनू 0 के बराबर रख दो, तो 2 एक्स में असी 2 भर देंगे, जिथे भी एक्स आ उत्थे असी 2 भर देंगे, 2 के प्लस 7 बराबर 0, यदि सिफर है, इस करके असी इनू बराबर सिफर दे रख देंगे, बराबर 0 दे रख देंगे। इनू हल करांगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 के प्लस 7 बराबर 0, 8 ते 7 किन्ने हो जाएंगे 15, 2 के
प्लस 15 बराबर 0 दे, 2k बराबर माइनस 15 दे, k बराबर माइनस 15 बटा 2 दे। ठीक है, सिंपल है ना बेटा। ये यदि सिफर है, जे यदि सिफर है तो यू ये पुट करके आप बराबर कि रख देंगे 0 दे, तो उत्थे साडे कोल के दा मुल है जिहड़ा माइनस 15 बटा 2 आ जूगा। सैकेंड ऑप्शन, आशा कोल सिर्फ 1 अते 2 रुपये के सिक्के हैं, जेकर उस कोल सिक्ख्यां दी गिनती है जिहड़ी वो 50 है, तो उस कोल बनदी रकम जिहड़ी राशि बनदी है 75 है, तो 1 अते 2 वाले सिक्क्यां दी गिनती दसो किन्नी होएगी। मान लो 1 रुपये वाले सिक्के एक्स ने, तो वाई है जिहड़ी वो 2 रुपये वाले सिक्क्यां दी गिनती है, इन्हां दा दोहां दा जोड़ सानूं किन्ना दे रखे एक्स ते वाई दा 50, इन्हों तो बनती राशि 1 रुपये वाले तो एक्स मतलब 1 ना गुणा होगा, 2 रुपये वाले तो 2 ना गुणा हो, 2y वो आपको कितना दे रखा 75। इनू एक समीकरण मान लो, इनू 2 मान लो, माइनस कर दिए जे दोहां दी, एक्स नाल एक्स कैंसल ही हो जू, 2y चो y कढ़ांगे y रह जू, 75 दे विचों 50 कढ़ांगे 25। ठीक है, हुण जे y 25 है तो एक्स भी किन्ना है 25, क्योंकि दोहां दा जोड़ सानू किन्ना चाहिए 50, तो एक्स भी 25 y भी 25, 1 रुपये वाले सिक्के भी 25 तो 2 वाले भी 25, लास्ट ऑप्शन सही बनूगी। नैक्सट क्वेश्चन, अंक गणित कलड़ी 7, 17, 27, 37, 47 का 17वां पद की होएगा, तो इस दे विच ए किन्ना बेटा 7 है, डी किन्ना है 10 है, 17वां पद मतलब ए 17 किन्ना होगा भी ए प्लस 16 डी, ए अपने को 7 है, 16 डी साढ़े को 10, तो 7, 16 का 160, 160 के 7 जोड़ देंगे किन्ना हो जाएगा 167 हो जाएगा उत्तर। ठीक, 17वां पद किन्ना हो जाऊ 167। जेकर 2 घाती समीकरण ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक पूर्ण वर्ग है, तो इसके मूल की होंगे बराबर होंगे। ठीक है बेटा, मान लो आप कोई भी समीकरण ले ली, उस 2 घाती आ पूर्ण वर्ग बना, तो एवें लिख सकते हैं आप बराबर 0 रखा, तो जो असं इनू खोलेंगे, ये मैं थोड़ा एग्जाम्पल लैके समझा रहा बेटा, तो इतों जो असं खोल के इनू हल करा, एक्स साडे कोल दोनों पासे की आऊगी 2 आ जूगी, मतलब मूल साढ़े बराबर आ जाएंगे। ठीक, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬਣਨ ਸਾਰ ਲਈ ਬੌਲਕ ਵਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੌਲਕ ਵਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ 120 ਤੋਂ 30 ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ? ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿੰਨੀਆਂ 3 ਅੰਕੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 11 ਨਾਲ ਭਾਗ ਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ 3 ਅੰਕੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਨਾਲ ਭਾਗ ਯੋਗ ਹਨ। ਹੁਣ 3 ਅੰਕੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ 100 ਆ ਇਹ 11 ਨਾਲ ਭਾਗ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, 101 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 100 11 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 11 9 99, ਮਤਲਬ 1 ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ 11 ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ 11 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ 110, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗੀ 121, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ 11 11 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 11 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ 999 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ, ਮਤਲਬ 9 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਲਾਸਟ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੂਗੀ 990 ਬਣੂਗੀ, ਏ ਐੱਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 990 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 110 ਬਣ ਗਿਆ, ਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਐੱਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਐੱਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 990, ਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 110, ਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ, ਏ ਐੱਨ ਬਰਾਬਰ ਏ ਪਲੱਸ ਐੱਨ ਮਾਈਨਸ 1 ਡੀ, ਏ ਐੱਨ ਕਿੰਨਾ 990, ਏ ਕਿੰਨਾ 110 ਪਲੱਸ ਐੱਨ ਮਾਈਨਸ 1 ਡੀ ਕਿੰਨਾ 11। 110 ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋਜੂ, 990 'ਚ 110 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ 880 ਰਹਿ ਜੂਗਾ, 11 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 11 ਐੱਨ ਮਾਈਨਸ 11, ਆ 11 ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, 880 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ 891, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜੂ ਬੇਟਾ ਇਹ 11 ਐੱਨ ਦੇ, 891 ਬਰਾਬਰ 11 ਐੱਨ ਦੇ, ਐੱਨ ਬਰਾਬਰ 891 ਬਟਾ 11। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 11 8 88 ਬਚ ਗਿਆ 1। ਠੀਕ ਹੈ, 11 8 88 ਬਚ ਗਿਆ 1, 11 1 11, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? 81 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 3 ਅੰਕੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਨਾਲ ਭਾਗ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ 81।
दिती गई बारंबारता वंड सारली लई मध्य का वर्ग पता करो। तो पहला तो असी सी एफ कढ़ांगे, आ बेटा अपने को एफ है बारंबारता, इतने अपना सी एफ वाला कोलम बनावांगे, ये तो 90 सेम ही रहू। अगे आप जोड़ करते जाने होंगे तो 90 च 50 दा जोड़ कर देंगे 140 बन जू, 140 दे विच 60 जोड़ देंगे साढ़े कोल कितना बन जू 200, 200 दे विच 80 जोड़ देंगे 280, 280 दे विच असी 50 जोड़ देंगे जी साढ़े कोल कितना बन जू 330, मतलब इन्हों का जोड़ है जोड़ा वो कितना बन जू 330, जां असी कह लिए एन साढ़े कोल कितना बन जू 330। हुण असी मध्यका वर्ग अंतराल किवें चुणदे हुंदे सी, एन बाय टू तो, मतलब 330 दा दो ना कर दो भाग कितना बन जू 165। हुण तुसीं इह देखो सी एफ दे विच देखो संचवी बारंबारता दे विच देखो भी जिहड़ा 165 है 165 दे नेड़े किहड़ा है ते उह तों वड्डा भी है, 165 दे नेड़े किहड़ा है ते वड्डा भी है, किहड़ा भी 200 वाला, 200 वाला किहड़ा वर्ग अंतराल है 30 तों 40, तो 30 तों 40 है जिहड़ा वर्ग अंतराल उह मध्यका वर्ग अंतराल है। ठीक है, इह सीगा अपना मैथ वाला पेपर जिहड़ा तुहाडा अज होया सी। ठीक है, तो मैं उम्मीद है तुहाडे जिहड़े क्वेश्चन बिल्कुल सही होणगे, तो जिहड़े गलत सी उह तुहानूं समझ भी आ गए होणगे। थैंक यू बेटा।